बीरबल की खिचड़ी। बीरबल बादशाह अकबर के नवरत्नों में से एक थे। वे बादशाह को उचित परामर्श देते थे। उनके अनेक किस्से प्रसिद्ध हैं। उन्हीं में से एक घटना को इस पाठ में बताया गया है। बादशाह अकबर के दरबार में अनेक मंत्री और दरबारी थे। बीरबल भी उन दरबारियों में से एक थे। वे बहुत ही होशियार और अक्लमंद व्यक्ति थे। बादशाह हर काम के लिए बीरबल की सलाह लेते थे, इसलिए वे बीरबल को बहुत चाहते थे। एक बार की बात है, जाड़े का मौसम था, शाम का समय था। अकबर और बीरबल शहर का भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करके वे राजमहल लौटे। महल के सामने एक तालाब था। तालाब के चारों ओर बड़ा सुंदर उपवन था। बादशाह ने पानी में हाथ डाला और कहा, ओह, कितना ठंडा पानी है। फिर उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या इस पानी में कोई नहा सकता है? जहाँ पना, बहुत से लोग सवेरे ठंडे पानी से नहाते हैं, ये तो आदत की बात है। अच्छा, क्या कोई रात भर इस तालाब के पानी में खड़ा रह सकता है? जहाँ पना, हमारे राज्य में ऐसे बहुत लोग हैं जो मुश्किल से मुश्किल काम कर सकते हैं। ठीक है, सारे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दो कि जो आदमी रात भर इस ठंडे पानी में खड़ा रहेगा उसे सोने की 100 मोहरे इनाम में दी जाएंगी। अगले दिन सारे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया गया। एक गरीब आदमी ने यह ऐलान सुना। उसने सोचा, थोड़ी ठंड सह लूं तो 100 मोहरे मिल जाएंगी, इससे मेरी गरीबी दूर हो जाएगी। उसने यह बात बादशाह तक पहुंचवाई। बादशाह ने उसे बुलवाया। उसी रात वह महल में पहुंचा और तालाब में उतरा। पानी बहुत ठंडा था, उसे बहुत ठंड लग रही थी। उसने चारों ओर देखा। उसे वहां पर एक सैनिक के अलावा और कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था। राजमहल के एक कमरे में एक बत्ती जल रही थी। उसने सोचा, एक ही रात की तो बात है, बत्ती बुझ जाएगी और सवेरा हो जाएगा, थोड़ी सर्दी सह लूंगा तो मेरी गरीबी दूर हो जाएगी। सोचते सोचते उसने रात गुजार दी। सवेरा हुआ। बीरबल ने आकर उसे गरम कपड़े पहनाए और गरम गरम खाना दिया, फिर उसे घर भेज दिया। कुछ देर आराम करके वह आदमी इनाम लेने के लिए दरबार में आया। बादशाह ने पूछा, क्या तुम ही वो आदमी हो जो पानी में खड़े थे? बताओ, तुम इतनी ठंड में पानी में कैसे खड़े रहे? उसने कहा, जहां पना, मुझे ठंड तो बहुत लग रही थी, पर मैंने महल में जलती बत्ती को देखते देखते रात बिता दी। तभी एक दरबारी उठकर बोला, जहां पना, ये तो राजमहल की रोशनी की गर्मी की वजह से पानी में खड़ा रहा, इसको इनाम कैसे मिल सकता है? ठीक है, इसे इनाम नहीं मिलना चाहिए। गरीब बेचारा उदास मन से घर लौट गया। बीरबल चुपचाप खड़े रहे। उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। कुछ दिन बीते। एक दिन बीरबल ने बादशाह से कहा, जहां पना, आप रोज ही शाही खाना खाते हैं, आप मेरी बनाई खिचड़ी खाएंगे तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। ऐसी बात है, फिर एक दिन तुम हमारे लिए खिचड़ी बनाओ, हम सब खाने आएंगे। यह तय हुआ कि दूसरे दिन बीरबल खिचड़ी बनाएंगे तथा बादशाह, बेगम और दरबारी खिचड़ी खाने बीरबल के घर जाएंगे। बीरबल ने सबको बैठक में बैठाया, फिर बोले, बस थोड़ी देर में खिचड़ी तैयार हो जाएगी। काफी देर हो गई, पर खिचड़ी का कहीं नाम नहीं। बादशाह ने पूछा, बीरबल, देर क्यों हो रही है? बस कुछ देर इंतजार करें, खिचड़ी लगभग तैयार है। लगभग एक घंटा और बीता। भूख के मारे सबकी हालत खराब, लेकिन खिचड़ी का कोई नाम नहीं। बादशाह ने गुस्से से कहा, बीरबल, ये क्या तमाशा है? खिचड़ी कहाँ है? भूख के मारे हम सब बेहाल हो रहे हैं। जहाँपना, खिचड़ी बन रही है, थोड़ी देर और।
तुम्हारी खिचड़ी कहाँ बन रही है? चलो दिखाओ। बीरबल उन सब को लेकर पीछे बाग में गए। बाग में एक जगह तीन लंबे बांस गड़े थे। बहुत ऊपर एक हांडी थी। नीचे जमीन पर थोड़ी सी आग जल रही थी। उसे देखकर गुस्से में भी बादशाह अकबर हंस पड़े और बोले, अरे ये क्या बीरबल, हम तो तुम्हें अक्लमंद समझते थे। हांडी इतनी ऊपर है और आग एकदम नीचे। इस आग से खिचड़ी थोड़े ही पकेगी। जरूर पकेगी आलमपना। आग की गर्मी हांडी तक पहुंच ही नहीं सकती। बिना गर्मी के खिचड़ी कैसे पकेगी? जहांपना, पहले मैं भी यही सोचता था, लेकिन तालाब में खड़े आदमी को राजमहल की रोशनी से गर्मी मिल सकती है, तो ये आग हांडी तक कैसे नहीं पहुँचेगी? यह सुनकर बादशाह अकबर की समझ में आ गया कि बीरबल क्या कहना चाहते हैं। उन्होंने कहा, बीरबल, सच में तुम बहुत बुद्धिमान हो। एक दरबारी के कहने पर मैंने उस गरीब को इनाम नहीं दिया। तुम कल उसे दरबार में बुलाओ, हम उसे इनाम जरूर देंगे। दूसरे दिन वह गरीब आदमी राजमहल में आया। बादशाह ने उसे सोने की 100 मोहरें दी और बहुत से कपड़े दिए। यह देखकर बीरबल मन ही मन मुस्कुरा रहे थे।